Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Learning Never Ends. In my previous video, I have discussed all the questions of exercise 4.1 of chapter number 4, that is simple equations of class 7th. Now I will discuss all the questions of exercise 4.2. होपफुली आपने वो 4.1 की एक्सरसाइज देखी होगी एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं. नाउ एक्सरसाइज नंबर 4.2, क्वेश्चन नंबर 1. गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन. सो द फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो. आपको इन सभी में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वेरिएबल इज एक्स, वन इज कॉन्स्टेंट, जीरो इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. सो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको वेरिएबल को क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा. तो वेरिएबल लेफ्ट साइड में रहेगा और कुछ भी जो भी होगा वो राइट साइड में चला जाएगा. दैट इज द मीन्स ऑफ सेपरेशन. नाउ एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो. सो माइनस साइन जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. तो एक्स इक्वल टू जीरो प्लस वन. अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस. नाउ जीरो प्लस वन इज वन, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी, वन फाइंड आउट हो गई. नाउ सेकेंड पार्ट इज एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. सो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो. नाउ इट इज प्लस, सो माइनस वन, दैट इज माइनस वन. एक्स इक्वल टू माइनस वन. प्लस को माइनस में चेंज होता है और माइनस साइन प्लस में चेंज होता है. मल्टीप्लाई का डिवाइड में, डिवाइड का मल्टीप्लाई में. नाउ सी पार्ट इज एक्स माइनस वन इक्वल टू फाइव. सो एक्स इक्वल टू फाइव प्लस वन बिकॉज इट इज माइनस, सो एक्स इक्वल टू सिक्स. डन. डी पार्ट एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू टू. सो एक्स इक्वल टू टू माइनस सिक्स. टू माइनस सिक्स इज माइनस फोर. एक्स इक्वल टू माइनस फोर इज दी आंसर. नाउ ई पार्ट इज y माइनस फोर इक्वल टू माइनस सेवन. इट मीन्स y इक्वल टू माइनस सेवन. इट इज माइनस, सो माइनस सेवन प्लस फोर दैट इज माइनस थ्री. माइनस थ्री कैसे आया, माइनस प्लस माइनस, और साइन किसका होगा, माइनस का, बिकॉज सेवन इज ग्रेटर देन फोर. सो जिसका ग्रेटर होता है वही साइन हमारा पुट करते हैं. f इक्वल टू y माइनस फोर इक्वल टू फोर. सो हेयर y इक्वल टू फोर प्लस फोर दैट इज एट. डन. सिमिलरली आप जी और एच पार्ट कर सकते हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन. ए इज 3l इक्वल टू 42. सो हेयर l इज इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3. कुछ भी नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है. 3 इंटू एल इज 3l. सो मल्टीप्लाई कन्वर्ट होता है डिवाइड में और डिवाइड कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में. वेन वी चेंजेस द साइन साइड्स. L इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 3. सो सो 14 इंटू 3 इज 42. सो इट इज 40. नाउ B पार्ट इज B अपॉन 2 इक्वल टू 6. सो इट इज इन डिवाइडेड, तो डिवाइड का किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई में. सो 6 इंटू 2 दैट इज 12. सो B इक्वल टू 12 इज द आंसर. Now C part is P upon 7 equal to 4. So P equal to 4 into 7, that is 28. Now D part is 4x equal to 25. So x equal to 25 upon 4, that is in fraction. आप इसको decimal में भी convert कर सकते हैं, otherwise. Now E part is 8y equal to 36. 8y equal to 36, it means y equal to 36 upon 8. It is in fraction. आप decimal में convert कर सकते हैं, otherwise ऐसे भी रहने से. Now z upon 3 equal to 5/4. Here z equal to 5/4 into 3, because 3 is in multiplication, divide, so multiply में आ जाएगा. सो 5 इंटू 4 देयर इज 1. तो 5 इंटू 3 15 अपॉन 4 इज द वैल्यू ऑफ z. डन. सिमिलरली g एंड h आप सेल्फ करेंगे. नाउ थर्ड क्वेश्चन. गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन.
सिमिलरली 3n माइनस 2 इक्वल टू 46. सो हेयर 3n इक्वल टू 46. पहले हम क्या करेंगे, इसको माइनस को इसमें ले जाएंगे कॉन्स्टेंट को, तो 3x प्लस 2 दैट इज 48 3n. अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये डिवाइड में जाएगा, सो 16. सो n इक्वल टू 16 इज द आंसर. डन. नाउ बी पार्ट इज फाइव एम प्लस सेवन इक्वल टू 17. इट मीन्स फाइव एम इक्वल टू 17 माइनस सेवन. 17 माइनस सेवन इज 10. फाइव एम, सो एम इक्वल टू 10 बाई 5 दैट इज 2. 2 इज द वैल्यू ऑफ एम. नाउ सी पार्ट इज 20 पी अपॉन 3 इक्वल टू 40. सो 20 पी अपॉन इक्वल टू 40 इंटू 3. सो 120 अपॉन 20 इज द पी. 0 0 कैंसल आउट, सो पी इक्वल टू 6. सेम ही करना है, बस मल्टीप्लाई को डिवाइड में कन्वर्ट करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. इसमें भी सॉल्व ही करना है, तो 10 पी इक्वल टू 100. इट इज़ इन मल्टीप्लीकेशन, सो डिवाइड में चला जाएगा. 100 अपॉन 10 दैट इज 0 0 कैंसिल आउट, सो 10 इज द आंसर. नाउ बी पार्ट इज 10 पी प्लस 10 इक्वल टू 100. इट मीन्स 10 पी इक्वल टू 100 माइनस 10, बिकॉज ये प्लस साइन माइनस में जाएगा. इट मीन्स 90. 10 पी इक्वल टू 90, सो पी इक्वल टू 90 बाय 10. 10 0 0 कैंसिल आउट, सो 9. पी इक्वल टू 9 इज द आंसर. नाउ सी पार्ट इज p upon 4 equal to 5. So it is in divide. So p equal to 5 into 4, because divide sign multiply में जाता है. 5 into 4 is 20. So the value of p is 20. Now minus p upon 3 equal to 5. So minus sign पहले 3 जाएगा multiply में, तो minus p equal to 5 into 3. 5 into 3 is 15. वैल्यू हमें माइनस पी की तो फाइंड आउट करनी नहीं है, हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, पी की. तो इस माइनस साइन को डायरेक्टली हम यहाँ ले जाएंगे, तो इट इज़ माइनस 15. डन. नाउ ई पार्ट 3p अपॉन 4 इक्वल टू 6. ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में होगा, तो 3p इक्वल टू 6 इंटू 4 24. 3p इक्वल टू 24, सो p इक्वल टू 24 बाय 3, सो 8. सो p इक्वल टू 8 इज द आंसर. नाउ f पार्ट इज 3s इक्वल टू माइनस 9. सो s इक्वल टू माइनस 9 बाय 3, बिकॉज इट इज इन मल्टीप्लीकेशन, तो डिवाइड में होगा 9. सो s इक्वल टू माइनस 3. g इज 3s प्लस 12 इक्वल टू 0. सो 3s इक्वल टू 0 माइनस 12. 0 माइनस 12 इज माइनस 12. 3s इक्वल टू माइनस 12. नाउ s इक्वल टू माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, बिकॉज इट इज़ इन मल्टीप्लीकेशन, तो ये डिवाइड में जाएगा. सो s इक्वल टू माइनस 4 इज द आंसर. नाउ h इक्वल टू h पार्ट इज 3s इक्वल टू 0. सो s इक्वल टू 0 अपॉन 3. सो s इक्वल टू 0 बाई 3 इज 0, क्योंकि 0 से किसी को भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही हमारी डिजिट हमें ऑप्टेन हो जाती है. नेक्स्ट वन इज i पार्ट 2q इक्वल टू 6. सो q इक्वल टू 6 बाय 2 दैट इज 3. नाउ j पार्ट 2q माइनस 6 इक्वल टू 0. इट मीन्स 2q इक्वल टू 0 प्लस 6 दैट इज 6. 2q इक्वल टू 6, सो q इक्वल टू 6 बाय 3. 6 बाय 2 दैट इज 3. सो q इक्वल टू 3 इज द आंसर. नाउ k पार्ट इज 2q प्लस 6 इक्वल टू 0. Here 2q equal to 0 minus 6, that is minus 6. 2q equal to, so q equal to minus 6 upon 2, because multiply ka divide mein, so 3. So q equal to minus 3 is the answer. And the last part is L part 2q plus 6 equal to 12.
हेयर 2q इक्वल टू 12 - 6, बिकॉज प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है जब हम लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट में करते हैं. तो 12 - 6 इज 6, 2q इक्वल टू 6, सो q इक्वल टू 6/2, दैट इज 3. सो द वैल्यू ऑफ q इज 3. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो. इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी देन प्लीज़ कमेंट ऑन इट. एंड इससे पहले जो 4.1 एक्सरसाइज है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, प्लीज़ आप उसे वहाँ से देख सकते हैं. एंड सेकेंड चैप्टर के भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ऑफ फोर्स एंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ऑफ क्लास 7. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू.